सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने देश के अंदर पैदा की थी। आज तमाम पार्टियां नू विरोधी धिर के लोगों नू इस गल का खतरा पैदा हो गया कि साढ़े कोले कोई सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई मुद्दा नहीं छड़िया। और सच गल इसे करके मनीष सिसोदिया आ गए जिहड़े कि मुख्यमंत्री के रूप के काम दिल्ली के अंदर चलाउंदे ने। अज उन्होंने ये लोड़ पै गई कि चमकौर साहब के किसी स्कूल के जाके उन्होंने टॉयलेट ब्लॉक विखाउण दी मीडिया। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब कोई जादूगर नहीं है, वो राते रात सारा कुछ पंजाब नहीं बदल सकते। जे तुसी आखो कि राते रात कोई चमत्कार करके कोई ऐसा जादू चला के बस स्टैंड रात नू खड़ा कर दे खरड़दा, ये नहीं होना। उरे असे स्कीम ते तजवीज बनानी पैंदी है, उरे असे सारा बंदोबस्त करना पैंदा है। जे घरे जनरेटर लेके आना होवे ना ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, उन्होंने कहा कि मैं एक काफी वरे पहला बस से चढ़ के इतने भाषण दिता सी, एजिटेशन की सी, बसा नहीं रुकिया कर दिया सी, ते ऐसी एजिटेशन किया सी। एक दिन असी वड्डा सारा बस स्टैंड बनावांगे, बाहर बसा रुकिया कर ता जो खरड़ दे लोगों नू कोई तकलीफ ना हो सके। ते मैं उन्होंने कहा कि थोड़ा इलाका मैं उद्घाटन करदा चंगा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं, तुसी जाके उद्घाटन करना, मैं तो केवल सरदार चन्नी साहब ने जेड़ा पैसा दिता जा उन्हां दी सोच उन्होंने बस स्टैंड का काम किया, मैं तो केवल मोहरी होके कला रीबन कट्टण वास्ते आया, पर इहदा सेहरा सारे का सारा मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब नूं जांदा। वो कहिंदे मेरा नौजवानी वेले दा इह ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा। ठीक है, डॉक्टर मनोहर साहब ने उन्होंने भी कहा कि 6,57,00,000 नाता जो एस्टीमेट बनाया गया है, चाहे 34 दुकाना है, चाहे इरा ट्रांजिट वाला सिस्टम बनाया गया, बार दी बार बसा जड़िया आके खड़िया करनिया, 5 बसा निकल जाया करनिया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पैसे की लोड़ हुई तो जिन्ने पैसे होर लगेंगे मैं वो दे दियांगा, और किसी नूं इस बस स्टैंड चों बार नहीं कढ़िया जाएगा। ये 34 दुकाना की प्रोविजन भी हैगी है, जेडे कई बार दुकानदारा खस्ता हो जाता कि पर साडा ए होएगा, इस तरह की कोई गल नहीं है मेरे सरकारी उपराम। और नटराजन जी गल कर रहे सी मेरी, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए क्योंकि मेरे अज 3 प्रोग्राम है, एक सानेवाल है, एक इतने कॉलेज जाना है, एक रायकोट है। मैं 2-4 गल्लां तुहाडे नाल करनियां चाहुंदा कि अज अगर ट्रांसपोर्ट विभाग की 1,05,07,00,000 की आमदन च डेली वाधा होया है, रोजाना का वाधा होया है, इहदे विच सरदार चन्नी साहब का बहुत वड्डा हाथ है। क्योंकि पहले दिन तो उन्होंने मैनूं गल कही है कि तेरे डिपार्टमेंट विच किसे दा दखल नहीं, पर मैनूं जिहड़ियां नजायज बसां चल रही हैं ते पंजाब दे अंदर ट्रांसपोर्ट माफिया की गल की जा रही है, इनू खत्म करना तेरी जिम्मेदारी है। जिथे मेरी जरूरत होवे रात को 12 बजे भी मेरे तो टेलीफोन करा ले। अज मीडिया वाला एक भरा पूछ रहा सी, क्योंकि मीडिया वाले भी कई बार सवाल आपकी मर्जी नाल ही पूछ लेंगे, वो कहते कि सानू तो कोई असी जो मर्जी सवाल पूछ लीए भावे वह सवाल बनता हो ना बनता हो, पर उन्हें कोल अधिकार है कि वह किसी प्रकार का भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो पॉलिटिशियन हमेशा दूसरी अख में वेख्या जाता भी शायद इन को सवाल का कोई जवाब नहीं है, झूठे नहीं, असी झूठे नहीं है, असी बिल्कुल सच्चे हैं, और जो कहेंगे चन्नी सरकार जो कहेगी वो करेगी और करके विखाएगी।
एक करोड़ पंद्रह लाख, एक करोड़ पांच लाख रुपया डेली की आमदन च किवें वाधा होया। इस करके वाधा होया कि बादल आलिया दीआं बसां जिहड़ियां नजायज चल रही सी, एक परमिट ते कई जिन्हां ने टैक्स नहीं दिते सी, जिहड़ियां एक नंबर ते चार चार चल रही सन, वो मैं 400 फड़ के बस अंदर दिती है इन्हां दी ते इन्हां दे चहेतियां दी। इस करके हुण पीआरटीसी ते पण बस दीआं बसां लदियां जांदियां, पर जिहदे टाइम टेबल असीं बनाता आ बैठे ने सीटीयू वाले हंस जी। मैं टाइम टेबल दो दिन वास्ते शुरू किया, बठिंडे नवा बनाया सी, कोर्ट चले गए, 5 लाख रुपया किला बठिंडा डिपू की आमदन एक दिन की बढ़ गई सी। ये जरा टीचा सवा एक पांच, एक पांच दिन ही रहना, जो तक कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, ये मैं 1.5 करोड़ तो टपा देना डेली का टीचा कि इन्नी आमदन च वाधा साडे रेवेन्यू वधिया। ये सब चन्नी साहब की कृपा है। 1 लाख किलोमीटर जिन्हों माफिया कहा जाता सी बादल दीआं बसां नूं, ये लोगों नूं पता नहीं, वकील साहबान खड़े हैं, ये इन्हां कोले ओरिजिनल परमिट सीगा, मान लो चंडीगढ़ तो खरड़ का उदाहरण के तौर पर दसदा, फिर खरड़ तो 24 किलोमीटर वाधा लैके मरिंडे जा सकते सन। एक कानून दे विच प्रोविजन है, लेकिन इन्हां मामलिया शेरा ने की किया, लंबी तो गिदड़बा तो बठिंडे तो फाजिलका तो हबोर तो बसा चलाईया, परमिट ओरिजिनल जिहड़ा सीगा, मान लो मुक्तसर तो कोटपुरा, कोटपुरा तो वाधा लैके बाघा पुराना आ सकते सन, लेकिन बाघा पुराना तो गां इन्होंने किया कि 24 किलोमीटर लैके ये चंडीगढ़ वर गए, एवं मुक्तसर तो पटियाले वर गए, एवं मुक्तसर तो लुधियाने वर गए, एवं मुक्तसर तो जलंधर वर गए, एवं मुक्तसर तो अमृतसर वर गए। ये 1 लाख किलोमीटर का हेर फेर जिहड़ा सीगा इन्होंने आपकी सरकार दे विच चलाया, ओरिजिनल परमिट नूं 24 किलोमीटर का वाधा करदे करदे ये जाके चंडीगढ़ च वड़ जांदे सी। आ हंस जी उत्थे धरने ला के बैठे रहिंदे सी, इन्हां दी किसे ने गल नहीं सुनी, आ बैठे एवें नारा नहीं लाया मेरा चिट्टी दाड़ी वाला बंदा, ये तां मुर्दाबाद दे ही लाउंदे नहीं तां जदों मर्जी। मैं आउंदिया सार 4 दिन च वो ऑर्डर सारे कैंसल करते, जज दा हुक्म सीगा, पता नहीं किधर गए वो पत्रकार साहब, जज साहब ने कहा कि यह गलत है कैंसल कर दिता जाए, लेकिन किसी ने कैंसल नहीं किया, किसी के लत्तां च जान है नहीं सी, किसी च कौन लेना चाहता सुखबीर ना पंगा, कदे तुसी खरड़ आ लियो बादल दी बस बस स्टैंड च कदे पुलिस वाले दे चलान करदा वेख्या कदे जिंदगी च, आ खड़े उन्हां दीआं सवारियां साडी बस च भाईआं, क्योंकि टाइम साडा सीगा, समय मुताबक साडी बस चलनी सी, लेकिन वह धक्का कर रहे सन ते ओ सवारियां नूं रिफंड कराया। ते हुण मैं दसा जो मैं वो उड़ाते परमिट कानून के मुताबक, तो फिर वो ट्रिब्यूनल चले गए, एक साडा ट्रांसपोर्ट का ट्रिब्यूनल भी है स्टैट किया जाता हूं, जिथे सैशन जज सिटिंग बैठते, उसे असी फिर उन्होंने पूरी वाह लाती, जिहड़ा 10 लाख रुपया एक पेशी का वकील लैंदा है, 8 वकील ऐसे 80 लाख रुपया एक पेशी का देंदे बादल वाले जुझार वाले, एक वकील 10 लाख रुपया पेशी का, अड्ड अड्ड कंपनियां ने 8 वकील शुरू करते उ, वाहेगुरु की कृपा हुई अज तो 7 दिन पहला वो फैसला 43 सफ़िया का फैसला साढ़े हक में आ गया कि भी राजे वड़ेंग ने चन्नी साहब ने काम जायज किया है, हुण हाई कोर्ट चो अपील पाउणगे एक दिन, वाहेगुरु ने कृपा करनी है उत्थों भी उड जाना है, ते फिर बस ट्रांसपोर्ट माफिया का जिहड़ा लक टुट जाना है, जिहड़ा इहनूं माफिया कहा जांदे सी, इहनां दा लख किलोमीटर का जिहड़ा धंधा है नजायज धंधा सी, वह बंद हो जाना। सो
सत्कारियों भराओ, ये तमाम जेड़े काम है ये चन्नी साहब की सरकार ने की है। पेट्रोल डीजल कोई सोच सकता है कि पुराने बिजली के बिल सारे लोगों को माफ कर दिए जाएंगे? कोई सोच सकता है कि पावर परचेज एग्रीमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी? ये कोई नहीं कल्पना कर सकता कि सरदार चन्नी इन्ने छोटे समय के इन्ना कद कर। साहब नूं कहना कि यार दो तीन घंटे सवा दिया करो, कई बार बंदा सौंदा ही नहीं गा। सच जाने मैं रोज ये गल कहना कि दो घंटे बाद सवा दिया करो, कई बार फिर बंदा उन्नी परफॉर्मेंस नहीं रही जो बंदा नींद ना पूरी कर सके। लेकिन आम सुधारण व्यक्ति ने जिन्हों के जेडे रिक्शा चला के टेंट कुर्सियां छड़िया करता सी, आज पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया है, ते उन्हूं पंजाब के लोगों की पीड़ा ते दर्द पता है। सो इसे भी बदौलत है कि आज पंजाब दे विच एहो जे ऐलान हो रहे हैं जिन्हों की लोगों ने कल्पना नहीं की, किसी पार्टी वाले ने कल्पना नहीं की। सो सत्कारियों भराओ, ज्यादा कुछ ना कहते हुए थोड़ा सारिया का कोटन कोट धन्यवाद। तुसी इत्थे आए हो, एक वहम छड़ दिओ कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नींह पत्थर रख के गया सी ते ए बणिया नहीं। ठीक, अज तो 16-17 तरीक नूं ए डॉक्टर मनोहर जी जां मनमोहन जी जां मनप्रीत जी इट रख के इहदा निर्माण भी शुरू करा देंगे। टेंडर लग गया 16-17 तरीक नूं, मिस्त्री ला के ते कम शुरू करा देंगे। थोड़े नाल इस गल का वादा करते हैं, ये सरदार चन्नी साहब की बदौलत है। सो थोड़ा सारिया का कोटन कोट धन्यवाद। तुसी लोग सुबह सुबह इतने आए आपके काम कार छड़ के, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। परमात्मा थोनू चढ़दी कला बख्शे ते चन्नी साहब नू चढ़दी कला बख्शे। जिहड़ी गल नटराजन जी ने कही है, पता नहीं सानू तां दुबारे लोग ये मौका देंगे तां असी जरूर आवांगे। लेकिन मैं ये चाहना कि 2.5-3 महीने जिन्ने मिले है उहदे विच ही ऐसा कुछ कर जाओ तां जो पंजाब के लोग थोनू याद रखन। वो मैं करने की कोशिश करांगा। दोबारा फिर दिल दियां गहराइयां चो धन्नवाद।